कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एक्स एमएलए भरत सिंह बेनीवाल, सर स्वागत है आपका। नमस्ते भाई, धन्यवाद। और सर कैसा चल रहा है आदमपुर का इलेक्शन, क्या माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप कितने गांवों का दौरा कर चुके हैं अब तक? गांव तो 25-30 कर लिए मैंने, पांच गांव है आपके। तो उन गांव में क्या बिल्कुल जीत सुनिश्चित है? एकदम 5,000 ऊपर तीन गांव में निकलेगी। 5,000 से ऊपर तीन गांव में निकलेगी? हाँ। जबकि क्या नाम, INLD और बीजेपी आरोप लगा रही है कि बाहरी प्रत्याशी है जयप्रकाश, इस बारे में क्या कहेंगे? वो विदेशी नागरिक बन ला रहे थे, देखो कैंडिडेट दूसरे है बीजेपी को, वो बाहर को विदेशी बन ला रहे। वो कह रहा है लेकिन मैं रहने वाला तो यही का हूँ, मेरा जन्म यही हुआ है, मैं यहीं पे कार्य करूंगा, यहीं से है। जींद का है वो? हाँ, जींद का। कैसा ओवरऑल क्या मार्जिन लग रहा है आपको, कितने वोटों से आप जीत जाएंगे? 20,000 ऊपर जीता। 20,000 से ऊपर? हाँ। तो उसमें ये कह रहे हैं कि जैसे भजनलाल, दो तरह के वोट है, भजनलाल के परिवार के पक्ष का वोट और विपक्ष का वोट। जो विपक्ष का वोट है वो बट गया, उसको कैसे आप इकट्ठा कर रहे हैं? बाकी दो कैंडिडेट और भी हैं, आम आदमी पार्टी और INLD, ये 10,000 के अंदर रहेगा दोनों। वो दोनों 10,000 के अंदर रहेंगे? क्या मार्जिन कितना मान रहे हैं आप वोटों का, आप कितने हजार वोटों से जीतने जा रहे हैं? 20,000। 20,000 से? धन्यवाद सर, हमसे ऊपर जाएंगे, 20 से ऊपर जाएंगे, पूरी तरह आश्वस्त है एकदम। बीजेपी वाला आप हरा रहे हैं? बीजेपी वाले हरा रहे हैं, गोपी खोदने वाला कर देगा, गोपी खोदने वाला कर देंगे। अच्छा जी, तो ये जैसा कह रहे हैं कि ये आदमपुर जो बाई इलेक्शन है, ये विधानसभा का सेमीफाइनल है, तो जो पार्टी ये जीतेगी वही सरकार बनाएगी आगे, मान रहे हैं आप? जीतेगी और जीतेगी। ठीक है जी, धन्यवाद।